स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे पीएम मोदी। 4 राज्यों के 18 जिलों में बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया अभी खत्म नहीं हुई दूसरी लहर। जारी हुए सीबीएसई 10वीं के नतीजे, लड़कियों का प्रदर्शन इस वर्ष भी रहा लड़कों से बेहतर। स्वदेश लौटी पीवी सिंधु, दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। मुश्किल में फंसे सिंगर हनी सिंह, पत्नी शालिनी ने लगाया घरेलू हिंसा का केस। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मालरोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर सभागार में भारत विकास परिषद की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद का गठन चीन से युद्ध के बाद किया गया था। समाज सेवा के क्षेत्र में भारत विकास परिषद का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद के पदाधिकारी और सदस्य को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो उनकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार है। भारत विकास परिषद का गठन 1962 में चाइना के युद्ध के बाद देश सेवा के भाव से हुआ, समाज सेवा के भाव से हुआ और उसकी मसूरी शाखा का गठन आज यहाँ पर हुआ है। मैंने यहाँ के अध्यक्ष व कार्यकारिणी को विश्वास दिलाया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते जो भी मेरा योगदान सुनिश्चित करेंगे हम करेंगे। कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, इस भाव से काम करना चाहिए और जो भी मेरी तरफ से मदद होगी इस स्थान को हम करेंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा और सहकारिता एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास खंड पाबो का दौरा किया। इस दौरान खिरसू में विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रमाण पत्र बांटे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत धनराशि के चेक और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया गया। ऋषिकेश में कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर की शुरुआत की जा चुकी है। आपको बता दें कि मंथन शिविर में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हुए। विचार मंथन की शुरुआत के साथ कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर में पार्टी के विभिन्न समितियों के सदस्य मिलकर विचार मंथन करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। चुनाव तक अगला ये 4-6 महीने का जितना भी समय बचा है इसमें मोटा मोटा एक रोड मैप तैयार करने की ये कवायद है, जो कि 3 दिवसीय शिविर में ये तय हो जाएगा कि किस प्रकार हमारा आम आदमी तक हमारी पहुंच हो सके, हम अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचा सके। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 लोगों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। सीनियर और जूनियर वर्ग में आयोजित इस मैराथन दौड़ में शहर के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी वहां मौजूद रही। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान खेल गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से खेल प्रतिभाएं आगे नहीं आ पा रही थी। इसी को देखते हुए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। आज खासकर ये जो कोविड का पूरा एक दौर गुजरा है, हमारे बच्चे जो हैं वो घरों में कैद रह गए हैं और आज आपने देखा होगा जब ओलंपिक में एक मेडल लास्ट में छूटता है तो कितना हमें दुख होता है। तो युवा मोर्चा द्वारा एक कोशिश की गई है कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है उसको फिर से जगाने का और बच्चों में एक उत्साह लाने का, और मसूरी के बच्चे आज बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया। तो देहरादून से ये आपको पूरी खबर बता रहे हैं जहाँ पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि युवाओं में खेल के बढ़ावा देने के लिए इस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, वहीं काफी भारी संख्या में युवाओं ने इस मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष केशर सिंह नेगी ने विधानसभा चौबट खाल में इलाके के नौगांव खाल बाजार में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान केशर सिंह नेगी की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने एकेश्वर बाजार में लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस की नीतियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मातृशक्ति और युवाओं ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। धीरेंद्र प्रताप का कहना है कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जहाज डूबना तय है। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बदले हैं। राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर के सिवाय कुछ भी देखने को नहीं मिला है। उत्तराखंड निर्माण में आंदोलनकारियों का बड़ा रोल रहा है, लेकिन सरकार ने उनको भी अनदेखा किया है। आंदोलनकारियों के जो नेतृत्व में धीरेंद्र प्रताप जी ने प्रेस की है, वो आंदोलनकारियों के लिए जैसे कि राजधानी गैरसैंण की मांग लेकर के और आंदोलनकारियों का जो राज्यपाल के यहाँ 10% आरक्षण की जो फाइल रुकी हुई है और हाई कोर्ट में भी चल रही है, जबकि राज्यपाल अगर उसको साइन करके दे दें तो वो पास हो जाएगा और उन लोगों को वो आरक्षण से उनको जो है प्राप्त हो पाएगा। अल्मोड़ा जिले की आशा बहुओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि आशा बहुओं ने गांधी पार्क चौघान पाटा पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। आशा बहुओं की मांग है कि उनको स्थायी किया जाए, इसके साथ ही वेतनमान 21,000 रुपए किया जाए और मेडिकल बीमा के साथ ही जीवन बीमा भी कराया जाए। इसके अलावा कोरोना भत्ता भी उनको दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो उनका प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। देखो, आशाओं का बार बार शोषण किया जा रहा है और जब से हम लोग पिछले 16 साल से हम लोग ड्यूटी पे हैं, काम करते आ रहे हैं, हमका इसका कुछ भी दाम नहीं मिल रहा। हमारे से ज़्यादा तो एक लेबर को दाम अच्छा मिल रहा है और इतने बड़े कोरोना काल में हमने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, हमने ये तक नहीं देखा कि अपनी जान की तक हमने परवाह नहीं की, तो आखिर सरकार इसका दाम हमको दे क्यों नहीं रही। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया कि उनके विभाग द्वारा जो भी प्रमुख योजनाएं या फिर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। योजना भारत सरकार की है या फिर राज्य सरकार की, इसको भी प्रमुखता से बताया जाए। तो हरिद्वार में आज डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जितनी भी योजनाएं इस वक्त चलाई जा रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, सभी को जल्द पूरा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जरूरी समस्याओं पर भी डीएम ने ध्यान दिया और सभी से तत्काल उनके समाधान की भी जानकारी दी है। चमोली जिले की डीएम रही स्वाति एस भदौरिया का तबादला अपर सचिव नागरिक उड्डयन के पद पर किया गया है। स्वाति भदौरिया को जिला कार्यालय में पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर विदाई दी। विदाई समारोह में मौजूद अधिकारियों ने जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें एक कुशल प्रशासक और सीमांत जनपद चमोली में उनके कार्यकाल को स्वर्णिम बताया। विदाई समारोह में हर किसी की जुबान पर जिलाधिकारी का तेज तर्रार कार्यशैली और लोकप्रियता के ही चर्चे थे। डीआईजी नीरू गर्ग ने ढालवाला चौकी के पास साइबर सेल का उद्घाटन किया। साथ ही डीआईजी ने तपोवन में बनी टीआई चौकी का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट भी वहां मौजूद रही। आपको बता दें कि लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए साइबर सेल की शुरुआत की गई है। साइबर सेल की अलग से ब्रांच खोलने से पीड़ित अब सीधे साइबर सेल में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकेंगे। देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से थी, लेकिन भवन थोड़ा बहुत अच्छी हालत में नहीं था। उसको थोड़ा बेहतर बनाया गया है ताकि जो हमारे कर्मी रहते हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि वो अच्छी स्थिति में रहें, इसलिए इसको बेहतर बनाया गया है, इसीलिए इसका उद्घाटन। अब क्या क्या? देखिए, साइबर सेल यहाँ पर पहले से ही है और एफिशिएंटली काम कर रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाएगा ताकि कोई भी साइबर ठगी का मामला आता है तो लोग यहाँ पर अप्रोच कर।
हरिद्वार जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने नशे के सख्त अभियान चलाए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि डीएम ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिले में ड्रग माफिया तेजी के साथ पैर पसार रहे हैं, यही वजह है कि युवाओं का नशीले पदार्थ आसानी से इस वक्त उपलब्ध हो जाते हैं और वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तीर्थ नगरी में जैसा कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ थोड़ा नशे का ज़्यादा कुछ प्रचार मतलब ज़्यादा प्रसार हो गया है और लोग ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही गंभीर विषय है और मेरा मानना है कि इसमें जितनी से अधिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर की जाएगी। साथ ही जो उससे अफेक्टेड लोग हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए अच्छे रिहैब सेंटर हों ताकि वो मेन स्ट्रीम में लोग आ सकें, इसके लिए एक सामाजिक आंदोलन करने की आवश्यकता है। चमोली में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों बंदरों ने दो महिलाओं पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। बंदरों के आतंक से पूरे जिले में लोग खौफ में हैं। बंदरों के आतंक से किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बंदर फसलों को भी तहस नहस कर देते हैं। इसके साथ ही खेत में काम कर रहे किसानों पर भी अक्सर बंदर हमला बोल देते हैं, जिसके डर से किसान अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। लोगों की मांग है कि बद्रीनाथ वन प्रभाग के रेंजर RS बिस्ट का कहना है कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पिंजरे फिलहाल लगाए गए हैं। असल में 31 तारीख को यहाँ पर दो महिलाओं को बंदरों ने काट के घायल किया है और वो हॉस्पिटल में हैं। ये संज्ञान में आते ही हमने पिंजरों की व्यवस्था की, एक पिंजरा अभी पहुँच गया है और इनको मैंने वही आश्वासन दिया है कि पिंजरा लगाएंगे और यहाँ से उत्पादित बंदरों को पकड़ करके। तो इस वक्त चमोली में बंदरों के आतंक से लोग काफी ज्यादा खौफ में हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बंदरों के आतंक से चमोली के स्थानियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आए दिन स्थानीय लोगों को बंदर अपना शिकार बना रहे हैं। बीते दिनों दो महिलाओं पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिसके बाद महिलाएं काफी ज्यादा घायल हो गई थी। वहीं खेत पर जाने वाले किसानों को भी खेतों तक जाने में डर का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बंदर किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द वन विभाग की टीम इस ओर ध्यान दे। रानीपुर कोतवाली इलाके में बीते सोमवार को दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दुकान से हजारों रुपए की चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। आपको बता दें कि BHL खोखा मार्केट में प्रोविजन स्टोर चला रहे गुलशन ने पुलिस से दुकान में चोरी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करते हुए मुखबिर की सूचना पर दो युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कानूनी कार्यवाही करते हुए फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया। रानीपुर कोतवाली इलाके में जमीन दिखाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां युवक ने जमीन दिखाने के नाम पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत गोविंदपुर में रहने वाले पीड़ित मोहित ने कोतवाली में की। पीड़ित का कहना है कि सत्यप्रकाश नाम के शख्स ने जमीन के नाम पर 11 लाख रुपए ठग लिए और जमीन भी नहीं दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो रानीपुर से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक पर 11 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जमीन बेचने के नाम पर एक युवक के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसमें युवक को जमीन दिखाने के नाम पर 11 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। वहीं पीड़ित का आरोप है कि रुपए ऐंठने के बाद उसे जमीन भी नहीं दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। मुख्य नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नगर निगम में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और विधायक मदन कौशिक पर साठगांठ करने का आरोप लगाया। अशोक शर्मा ने कहा कि मदन कौशिक ने भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात किया है। हजारों की संख्या में कुंभ मेले में कूड़ेदान निगम में रखे बर्बाद हो रहे हैं। नाला साफ करने के नाम पर वाहन जाते हैं तभी से खड़े हैं। आपको बता दें कि कोई भी इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दे रहा है। तो हरिद्वार में इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर मुख्य नगर आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप लगाते हुए कहा गया है कि इस वक्त निगम में हजारों की संख्या में कुंभ के मेले के
कूड़ेदान इस वक्त निगम में रखे हुए खराब हो रहे हैं, उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं निगम परिसर में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं मुख्य नगर आयुक्त पर और विधायक मदन कौशिक पर। आरोप है कि दोनों के बीच सांठगांठ हुई है, जिसके बाद से लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अशोक शर्मा ने बताया कि मदन कौशिक ने भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात कर दिया है। इसी के साथ में इस वक्त घोर लापरवाही निगम की तरफ से देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना में फॉर्म भरवाने के नाम पर 500 रुपए मांगे जाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पार्षद पति के द्वारा आवास के लिए फॉर्म भरवाने के नाम पर 500 रुपए लेने की बात कही गई है। दरअसल वार्ड नंबर 16 शिवलोक कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे थे, जहां पर किसी व्यक्ति ने पार्षद पति का एक वीडियो बना लिया, जिसमें वो किसी लाभार्थी से 500 रुपए की मांग कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने पार्षद के खिलाफ जांच की बात कही है। तो आपको हरिद्वार से इस वक्त हम खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पार्षद पति का घूस मांगने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर पार्षद पति लाभार्थियों से फॉर्म भरवाने के नाम पर 500 रुपए की ठगी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से एसडीएम ने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। देखिए, ये वीडियो आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था और उसमें फिर हमने फिर इसमें जांच पड़ताल करके जैसे पता लगा ये वार्ड का मामला है, तो नगर आयुक्त को मैंने ऑलरेडी ये व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया और उनसे बोला है इसमें जांच बैठा दें। तो एक बार नगर आयुक्त से एक बार अपडेट और लेना पड़ेगा कि उन्होंने जाँच बैठाई नहीं बताई। प्राइमो फेसी जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम के लिए किसी ने बैठा के वहाँ पैसे ले रहे हैं लोगों से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा होनी चाहिए उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर ना जाकर घर पर सेंटर चलाने वाली कार्यकर्त्री के खिलाफ जांच में सभी आरोप सही साबित हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग कोई भी कार्यवाही इस वक्त नहीं कर रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि बहादुरपुर खादर गांव में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र पर ना जाकर अपने घर में केंद्र चला रही है, जिसकी शिकायत महिला ने सीएम हेल्पलाइन पर पिछले साल की थी। मामले की जांच में कार्यकर्त्री पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी विभाग आरोपी महिला को पद से हटाने को तैयार नहीं है। द्वारा आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्त्री के खिलाफ शिकायत की गई थी 12 बिंदुओं पर, और 12 बिंदुओं में से एक बाल विकास ने जांच की है, तो उसमें वो पूरी तरीके से दोषी पाई जा रही है और बाल विकास उसे हटाने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो रहा है, पूरा पूरा उसका सहयोग कर रहा है। और बाकी के 11 बिंदुओं पर आज तक कोई भी किसी भी तरीके से जांच नहीं की गई। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं। मांग पूरी ना होने से तीर्थ पुरोहितों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ल के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सरकार ने अगर जल्द देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया तो लड़ाई आर पार की होगी। आज केदारनाथ धाम में हमारे तीर्थ पुरोहितों लगभग जो है 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में झूठा नहीं रिंग रहा है और हमारे कुछ नवयुवक साथी तीर्थ पुरोहितों ने ये आग्रह कर दिया है कि हम आने वाले कुछ दिन बाद जो है आमरण स्थल पर जो है श्री केदारनाथ धाम में बैठ जाएंगे और अभी भी धामी सरकार को जो है इस देवस्थान बोर्ड को तत्काल भंग करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन की। विकासनगर तहसील क्षेत्र में आए दिन भूमाफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। धर्मवाला कल्याणपुर शाहपुर गांव में दबंगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पर सालों से होलिका दहन होता आ रहा था उस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसको वो खाली कराने को फिलहाल तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी जारी की है कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो ग्रामीण खुद कब्जा हटवाने में बाध्य हो जाएंगे। धर्मावाला पंचायत का है, वहाँ पर भूमाफिया द्वारा पंचायत की जो बना हुआ है पंचायत घर, उस पर कब्जा किया जा रहा है। गांव के लोगों का मेरे पास फोन आया था, मैं भी आज तहसील आया हूँ और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम इनसे कहने आए हैं यह तो उस कब्जे को छुड़वा दिया जाए, नहीं तो ऊपर उच्च अधिकारियों थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, जो यहाँ के देहरादून के प्रभारी हैं,
माननीय मंत्री बंसीधर भगत से मिलकर जो है तहसील प्रशासन की शिकायत की जाएगी अगर इन्होंने उस कब्जे को नहीं हटाया उन भूमाफियाओं से। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।